मिताली, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने बाकी के क्वेश्चंस के साथ। यहाँ हम पेज नंबर 79 इश्यूज के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन दी थ्री मसल फाइबर्स। तो यहाँ पर आपको तीन मसल फाइबर का मत बोलना कि यहाँ पे लिखा नहीं है, एग्जैक्टली थ्री ही होते हैं, सो आई हैव नॉट मेंशन्ड दी वर्ड, ठीक है। तो आपको हमें पता है बहुत अच्छे से कि वी हैव दी थ्री मसल फाइबर्स एंड व्हाट आर दे, स्ट्राइटेड मसल्स, देन वी हैव दी नॉन स्ट्राइटेड दैट इज दी स्मूथ मसल्स एंड लास्ट वी हैव दी टारगेट मसल्स। तो उन्हीं को हमें डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करना है अबाउट दी हाउ दे लुक, अबाउट दे शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव दी स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स में हमें क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि भाई नाम ही बोल रहा है स्ट्राइटेड, दैट मीन्स कि उसके ऊपर स्ट्राइप्स तो हमें दिखने वाली है, तो हाँ भाई हमें तो दिख रही है, सिंपल है। और आप खुद देखो कि इसके डायग्राम्स बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि बनेंगे नहीं कुछ भी, एंड यस डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दैट वे कि अगर आपसे इसके बारे में डायग्राम्स दे देंगे आपको एंड देन दे कैन आस्क यू द फंक्शन, और आपको वो डायग्राम को लेबल करने के लिए दे सकते हैं, डायग्राम को बनाने के लिए दे सकते हैं, सो इन एनी वे दीज क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं हमारे स्ट्राइटेड मसल्स में हमें क्या दिख रहा है। वी आर लुकिंग एट दी स्ट्राइएशंस, इतने सारे जो हमने ऑल्टरनेटिव बैंड्स बनाए हैं, स्ट्राइप्स बनाई है, दीज आर नोन एज दी स्ट्राइएशंस, ठीक है। देन वी नो द फीचर ऑफ दी स्ट्राइटेड मसल्स दैट दे आर सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग। तो हमें सिलेंड्रिकल भी दिख रहे हैं एंड वी हैव दी लॉन्ग सेल्स ऑल्सो, ठीक है। प्लस दे हैव अनदर फीचर विच इज मल्टी न्यूक्लिएट। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही सेल में हमें कुछ दो एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। सो दिस इज विद द स्ट्राइटेड मसल्स। नाउ कमिंग बैक टू दी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, हमारे नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, राइट। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स में हमें क्या दिख रहे हैं, व्हाट आर द फीचर्स, कि सबसे पहले इसके तो स्ट्राइशंस होने ही नहीं है, तो हमें कोई प्रोमिनेंट इसमें स्ट्राइप्स दिख भी नहीं रहे, ठीक है। चलिए उसके बाद वी हैव वी नो दैट दीज मसल्स आर दी यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का क्या मतलब था कि हमें एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो क्लियरली हमें हर एक में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस दे हैव दी पॉइंटेड एंड्स, और उनके पॉइंटेड एंड्स है तो इस तरीके की शेप हमने डिस्क्राइब की है। नाउ कमिंग टू दी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन से वाले होते हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, कि हमारे हार्ट वाले मसल्स, राइट। जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स भी होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑल्सो आर दी इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे जो हमने स्ट्राइटेड मसल्स बनाए हैं आपके, ये वाले जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो दीज आर दी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। देखो हो गया ना, ऊपर नीचे दो तीन चीजें मैंने और रिवाइज करवा दी है। इसी तरीके से आप कभी भी डायग्राम्स कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसके आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन भी करके चलो, तो आपको पूरा चैप्टर ऐसे ही लर्न हो जाना है, ठीक है। चलिए फिर आप कार्डिक मसल्स पे वापस आते हैं। कार्डिक मसल्स में हमें पता है कि इसके पास इन दोनों का कोई ना कोई फीचर है, तो सबसे पहला फीचर तो हम स्ट्राइटेड से लेके चलते हैं कि भाई कार्डिक के पास भी स्ट्राइटेड मसल्स की तरह ही स्ट्राइशंस प्रेजेंट रहती है, बहुत डोमिनेंट नहीं बट होती जरूर है, सो वे हमने अपने डायग्राम में स्ट्राइशंस बना दी, दैट सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है कि स्मूथ मसल्स की तरह हमारे जो कार्डिक मसल्स होते हैं दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएट, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो हमें दिस इज द न्यूक्लियस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, सो दिस इज अ यूनिन्यूक्लिएट मसल, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू कि इसका भी शेप कैसा होता है, सेम एज दी सिलेंड्रिकल, सेम एज दी स्ट्राइटेड मसल्स विच इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। सो ये इसके फीचर्स है। एक इसका प्लस फीचर ये है कि हमें ये ब्रांच दिखते हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमारी स्ट्राइएशंस में नहीं है, ये प्रॉपर्टी सारी हमारी कार्डिक मसल्स की है, तो क्या एक हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है कि ये दीज आर दी ब्रांच, ओके, एंड दीज आर दी अनब्रांच मसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मसल फाइबर्स। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू डिस्क्राइब दी पर्टिकुलर टिश्यू, और ऐसे आपसे बाकी जितने भी हमने एपिथेलियल पढ़ा है और भी काफी सारे टाइप के नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स को भी हमने पहले एक बार डिस्कस किया है, तो इस टाइप से आपसे कोई भी टिश्यूज के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिपेयर लाइक दैट। चलिए अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की वीडियोस के लिए, आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अप टू देन बाय।